नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। आज हम बनाएंगे भुट्टे के पकोड़े। बारिश के मौसम में भुट्टे के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो स्वीट कॉर्न हर मौसम में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इन सीजनल भुट्टों के पकोड़े बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भुट्टे के पकोड़े और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 5 भुट्टे। ये देसी भुट्टे हैं जिनको मैंने छील लिया है। ये दूधिया और बहुत ही सॉफ्ट दाने के भुट्टे हैं और मैं अब इनको चाकू की सहायता से इन दानों को निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए चाकू की सहायता से दाने निकाल लिए हैं और इसी प्रकार सभी भुट्टे के दानों को निकाल लूँगी। और इनको निकालने के बाद मैंने धो लिया है ताकि इनके रेशे निकल जाएं। और अब हम इसको मिक्सी में डालकर दरदरा पेस्ट बनाएंगे और 1/4 हिस्से के दानों को हम इसी प्रकार छोड़ देंगे। ये मैंने भुट्टे के दानों को पीस लिया है और एक दरदरा पेस्ट इसका मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर जो दाने हमने छोड़े थे वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने सभी दाने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें 2 कटी हुई प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है और आधा अदरक का टुकड़ा 1/2 इंच बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई आपने स्वाद के अनुसार डालें, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता और इन सभी सामग्रियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इन सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया 1/2 चम्मच अजवाइन। इसको अच्छी तरह से हाथ से मैं क्रश कर दूँगी और डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स या आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गर्म मसाला। इस गर्म मसाले से इन पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये बाइंडिंग के लिए हम बेसन डाल रहे हैं, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। ये मैंने 4 चम्मच इसमें बेसन डाला है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, इसका हमें गाढ़ा ही बैटर बनाना है। पकोड़े के लिए हमें इसका गाढ़ा बैटर तैयार करना है। ये देखिए मैंने अब थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी और पानी हमें धीरे धीरे करके आवश्यकता के अनुसार ही ऐड करना है क्योंकि प्याज भी मॉइस्चर छोड़ती है। ये देखिए मैंने पानी अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, इतना ही गाढ़ा हमें इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फ्रेश धनिया पत्ती और इन सब को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये मैंने नमक और धनिया भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और सबसे आखिर में डालेंगे हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच सरसों का तेल। ये कच्चा तेल है, इससे डालने से ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इनको इस तेल को डालकर भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये बैटर भी देखिए अच्छा फूल चुका है और अब हम इनको तलते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तेल को हम मीडियम गर्म करेंगे, गैस की फ्लेम को भी मीडियम रखेंगे। अब हम एक एक करके इसमें पकौड़े डालेंगे और पकौड़े डालते समय तेल हमारा मीडियम गर्म भी होना चाहिए और गैस भी मीडियम ही होनी चाहिए। यदि तेल ठंडा होगा तो ये पकौड़े तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए पकौड़े डालते समय तेल को हमें मीडियम गर्म रखना है और गैस की फ्लेम को भी मीडियम रखना है। ये जब सभी पकौड़े हमारे इसमें डल जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और धीरे धीरे हम इसको सेकेंगे, तब हमारे पकौड़े अच्छे क्रिस्पी सिकेंगे।
इसको हमें इसी तरह से पलट के दोनों साइड से सेक लेना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इसमें। और ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे पकोड़े सिक रहे हैं। इसी प्रकार हमें लो फ्लेम पर सेकना है। ये पकोड़े हमारे सिक चुके हैं, इसे सेकने में मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं। और अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, ये देखिए, और इसी प्रकार हम सभी पकोड़ों को सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन कलर। और अब चलिए हम इसको सर्व करते हैं। मैं इसको हरे धनिये की चटनी और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। और ये लीजिए, गर्मा गर्म भुट्टे के पकोड़े बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए, देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, यकीन मानिए टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा अच्छे बने हैं। और मैं आपको एक पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। और कोशिश कीजिए कि बारिश के मौसम में आप घर के ही बने पकोड़े खाएं। तो चलिए, इसी के साथ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी मेरे YouTube चैनल माँ की रसोई विद करुणा में। जब तक के लिए बाय बाय।